मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, क्या आप जानते हो हजारों साल पहले हमारे भारत देश में महाराजाओं का शासन हुआ करता था। उनकी रानियां प्यारे प्यारे राजकुमार और सुंदर सुंदर राजकुमारियां होती थीं। शक्तिमान भगवान और दुष्ट राक्षस भी इसी भूमि में रहा करते थे। आप और हम सब चले हजारों साल पहले की दुनिया में। राजा रानी राजकुमार और राजकुमारी से मिलने, चलो भगवान को जाने और असुरों की अद्भुत कथा सुने। चलो चलते हैं उस दुनिया की हम सैर करने हजारों साल पहले। हजारों साल पहले, हजारों साल पहले, हजारों साल पहले। ये कहानी है कृष्ण और सुदामा की। दोनों ने कई वर्ष साथ बिताए। कृष्ण और सुदामा ने एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त की। दोनों ने साथ खेला, साथ खाया और साथ पढ़ा। दूसरे बच्चों और सन्यासियों के साथ आश्रम में दोनों आंख मिचौली का खेल भी खेलते। कृष्ण और सुदामा दो शरीर एक जान थी। लेकिन हर अच्छी और बुरी चीज का अंत तो होता ही है। तो वो दिन भी आया जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई। तुम मुझे बहुत याद आओगे कृष्ण, सुदामा ने कहा। तुम भी मुझे बहुत याद आओगे सुदामा। निकट भविष्य में क्या हम दोबारा मिलेंगे? मेरा भाग्य मुझे कहां ले जाएगा नहीं जानता, पर अपनी मित्रता को कभी नहीं भुला सकूंगा। कई वर्ष बीत गए। कृष्ण और सुदामा दोनों अपने अपने ढंग से अपना अपना जीवन जी रहे थे। कृष्ण द्वारका के राजा बने। उनकी प्रजा उन्हें चाहती थी और उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली थी। पर सुदामा के भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। वे भले ही विद्वान और ज्ञानी ब्राह्मण थे, पर निर्धनता उनका नसीब बन चुकी थी। कृष्ण का विवाह विदर्भ की राजकुमारी रुक्मणी के साथ हुआ था और वे राजमहल में रहते थे। वे राजसी वस्त्र और आभूषण पहनते। वे संगमरमर के बने राजमहल में रहते और सोने के पलंगों पर सोते। प्रतिदिन उनके यहाँ भोज होते और उत्तम भोज पदार्थ खाए जाते। दूसरी ओर सुदामा का विवाह एक निर्धन ब्राह्मण कन्या से हुआ और वे एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। लिथड़ों में लिपटे वे धरती पर सोते। प्रतिदिन दो समय का भोजन ही मिल जाए तो वही उनके लिए बहुत था। बच्चों का पेट भरने के लिए कभी कभी सुदामा और उनकी पत्नी को भूखे पेट ही रह जाना पड़ता था। अपने और कृष्ण के बचपन की कहानियां अक्सर वे अपनी पत्नी और बच्चों को सुनाया करते। कृष्ण बचपन में बहुत शरारती थे, इसी वजह से वे कठिनाइयों में पड़ जाते। शरारत करने पर अगर वे पकड़े जाते तो इतना भोला चेहरा बनाते कि सामने वाला सब कुछ भूल जाता। एक बार 10 सरों वाले कालिया नाम के शेषनाग से भी लड़े। कृष्ण बड़े शूरवीर और साहसी भी थे। कृष्ण के लिए कुछ भी असंभव नहीं था, वे चमत्कार कर सकते थे। ज्यों ज्यों दिन बीतते गए सुदामा की हालत खराब होती गई। सुदामा और उनके बच्चे दाने दाने को मोहताज हो गए।
कभी कभी तो बच्चों को भूखे पेट ही रह जाना पड़ता। सुदामा और उनकी पत्नी बच्चों को केवल पानी पिलाकर ही सुला देती। सुदामा की पत्नी ने एक दिन बिलख कर कहा, मैं अपने बच्चों को और भूखा रहते नहीं देख सकती स्वामी। पर मैं क्या करूं? अन्न प्राप्त करने का मैं हर प्रयास कर रहा हूं, पर कुछ नहीं होता। आप कृष्ण के पास क्यों नहीं जाते? मैंने सुना है वे बड़े ही दयालु राजा हैं। उनके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। फिर आप तो उनके परम मित्र हैं। सुदामा कुछ तय नहीं कर पा रही थी। उनके मन में कई शंकाएं थी। वो इतने निर्धन थे कि कपड़ों तक का ठिकाना नहीं था। राजमहल के द्वार पर अगर प्रहरी ने रोक लिया तो क्या होगा? कृष्ण से वो कैसे मिल पाएंगे? मिलने पर उन्होंने पहचाना नहीं तो क्या होगा? इतने वर्ष बीत गए हैं, सहायता के लिए कृष्ण से मिलने में उन्हें शर्म आ रही थी, पर उनकी पत्नी उन्हें जाने के लिए बाध्य कर रही थी। आप उनसे मिलते क्यों नहीं? अपने नहीं तो अपने बच्चों के लिए उनसे मिलिए, मान जाइए स्वामी। पत्नी और बच्चों के प्रति अपने उत्तरदायित्व समझकर सुदामा ने अपनी सारी शंकाओं को एक तरफ रख द्वारका जाने का निश्चय कर लिया। अपने बच्चों के लिए वे कृष्ण से अवश्य मिलेंगे। इस निश्चय के साथ अगले दिन कम फटे कपड़ों को पहनकर वे द्वारका जाने को तैयार हो गए। स्वामी, कृष्ण भले ही राजा हैं, पर आपके बचपन के मित्र भी तो हैं। आपको नहीं लगता कि उनके लिए आपको कुछ भेंट ले जानी चाहिए? पर कृष्ण जैसे मित्र के लिए मेरे पास ले जाने के लिए क्या है? वे तो बढ़िया भोजन करते होंगे, बढ़िया कपड़े पहनते होंगे। ऐसा क्या ले जाऊं जो उन्हें अच्छा लगे? कुछ भी, आप उनके पास खाली हाथ तो नहीं जा सकते। हाँ, मुझे याद है आपने बताया था कि कृष्ण को बचपन में चिवड़े बहुत पसंद थे, तो ऐसा करती हूँ कि चिवड़ा बना देती हूँ। घर में पड़े चिवड़ों की अंतिम मुट्ठी से पत्नी ने बड़ी सावधानी और सफाई से चिवड़े बनाए और सुदामा को दे दिए। सुदामा ने उन्हें एक अच्छे कपड़े में लपेटकर अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने कई दिनों तक यात्रा की। वे सुबह से शाम तक चलते और फिर किसी वृक्ष के नीचे रात बिताते और अगले दिन सुबह फिर चलना आरंभ करते थे। यात्रा की कठिनाइयों ने उनके कपड़ों को ही नहीं उनके शरीर को भी जर्जर कर दिया। आखिर जब वे द्वारका पहुंचे तो उनका शरीर थकान और यात्रा की कठिनाइयों से आधा हो चुका था। द्वारका नगरी में प्रवेश करते ही भय और मिश्रित श्रद्धा से उनका मन भर गया। चारों तरफ सुंदर सुंदर घर, महंगे कपड़ों में सजे धजे लोग, हर तरफ हंसते बतियाते लोग थे। पूरा नगर समृद्ध और तृप्ति की तस्वीर लग रहा था। इन चीजों ने फटे कपड़ों, गंदे बिना नहाए शरीर और दुखते पैरों वाले सुदामा को और भी पीड़ित कर दिया। डरते हुए वे राजमहल के द्वार की ओर चल पड़े। एक द्वारपाल ने सुदामा को रोका। ए, कहां जा रहे हो? क्या चाहते हो? मैं कृष्ण से मिलना चाहता हूँ। मेरा नाम सुदामा है। मैं कृष्ण का बचपन का मित्र हूँ। हाँ, यहीं रुके, मैं अभी आता हूँ। कहते हुए द्वारपाल राजमहल के विशाल द्वार के पीछे गायब हो गया। द्वारपाल के लौटने तक सुदामा का मस्तिष्क अनेक प्रकार की आशंकाओं से भर उठा। शीघ्र ही उन्हें दौड़ते पैरों की आवाज सुनाई दी। सुदामा आतंकित हो उठे। महान राजा को अपना मित्र बताने के अपराध के लिए द्वारपाल ने दूसरे प्रहरियों को अवश्य ही मुझे पकड़ने के लिए बुलाया है। दूसरे ही क्षण
द्वार भर भरा कर खुल गए और सुदामा चकित रह गए जब उन्होंने उन्होंने कृष्ण को अपनी ओर दौड़ कर आते हुए देखा। उनके पीछे रुक्मणी और उनके सारे दरबारी थे। पास पहुंचकर कृष्ण ने सुदामा को अपनी बाहों में समेट लिया। सुदामा, मेरे मित्र, मेरे सुदामा, इतने वर्षों से तुम कहां थे? बड़े उत्साह के साथ बात करते हुए कृष्ण ने सुदामा से कहा। सुदामा स्तंभ रह गए, वो एक भी शब्द ना कह पाए। कृष्ण के इस स्वागत से उनकी आंखें भर आईं, पर कृष्ण बिना रुके बोलते ही चले गए। तुम्हें गुरुकुल के दिन याद हैं? कितने अच्छे दिन हमने साथ साथ वहां बिताए, और याद है कैसे चोरी छुपे हम जंगल निकल जाया करते थे? कृष्ण तो जैसे बिना रुके बोलते ही चले जा रहे थे। रुक्मणी, जानती हो ये कौन है? कृष्ण की पत्नी रुक्मणी ने जवाब दिया, हाँ स्वामी, आपने हजारों बार अपने मित्र की चर्चा की है। आप हमेशा कहा करते थे कि ये एक दिन अवश्य आपसे मिलने आएंगे। स्वामी, आपके मित्र थक गए होंगे, क्यों ना हम इन्हें अंदर ले चलें और थोड़ा विश्राम करने दें। इसके बाद इनसे आप दिन भर कर बातें कर लीजिएगा। ठीक कहा रुक्मणी। आओ सुदामा, तुम्हें देखकर इतना उत्तेजित हो गया कि बाकी सब भूल गया। कृष्ण और रुक्मणी सुदामा को अंदर ले गए। सुदामा राजमहल का वैभव देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। आओ मेरे सखा, यात्रा के बाद तुम थक गए होगे, लाओ मैं तुम्हारे थके हुए पांव धो दूं। कृष्ण ने सुदामा के थके और दुखते पैरों को एक सोने की परात में धोया। कृष्ण दीर्घायु। सारे दरबारी कृष्ण दीर्घायु और उनके दिल अपने राजा के प्रति आदर से भर गए। कृष्ण दीर्घायु हो। इसी बीच रुक्मणी ने सुदामा के लिए सर्वश्रेष्ठ भोजन का प्रबंध राजमहल में किया। इन सब के बीच सुदामा के मुख से एक भी शब्द ना निकला। इस अवभगत ने उन्हें गदगद कर दिया। अचानक कृष्ण सुदामा की कमर में बंधी पोटली पर पड़े और उन्होंने कहा, सुदामा, इस पोटली में क्या है? मेरे लिए कुछ है? नहीं, ये आपके लिए नहीं है, ये तो कुछ यूं ही। सुदामा बुदबुदाए। उन्हें चिवड़े की ये दीनहीन भेंट कृष्ण को देने में शर्म आ रही थी, पर कृष्ण ने उन्हें कोई अवसर ही ना दिया संभलने का। उन्होंने सुदामा से पोटली छीन ली और उसे खोला। चिवड़े? सुदामा, तुम्हें याद रहा कि चिवड़े मुझे पसंद है? कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं ये। रुक्मणी को देखते देखते कृष्ण ने उनकी एक मुट्ठी भर ली और मुंह में डाल ली। सुदामा, ऐसा स्वादिष्ट भोजन मैंने आज तक नहीं खाया। जैसे ही वे तीसरी मुट्ठी मुंह में डालने ही वाले थे कि रुक्मणी ने उन्हें रोक लिया। सब आप ही खा जाएंगे, मेरे चखने के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। कृष्ण मुस्कुराए और तीसरी मुट्ठी रुक्मणी के लिए छोड़ दी। अपने दीनहीन उपहार को कृष्ण द्वारा खाते देख सुदामा की खुशी का ठिकाना न रहा। कृष्ण और सुदामा पूरा दिन बात करते रहे। सुदामा के जीवन का ये सबसे बड़ी खुशी का दिन था। कृष्ण के साथ वो इतने तन्मय हो गए कि अपने यहाँ आने का कारण तक भूल गए। भले ही उन्हें यूं ही लौट जाना पड़े, पर अपनी यात्रा का उद्देश्य वो कृष्ण को नहीं बताना चाहते थे। कृष्ण ने मुझे इतना स्नेह और आदर दिया, इससे ज्यादा की मांग कैसे कर सकता हूं? उन्होंने कृष्ण को कुछ ना बताने का निश्चय किया। कृष्ण और रुक्मणी के साथ कुछ शानदार दिन और बिताकर सुदामा ने घर लौटने का फैसला किया। मेरी पत्नी और बच्चे बड़ी आतुरता से मेरी राह देख रहे होंगे।
ठीक है सुदामा, जाना आवश्यक है तो जाओ, पर मुझसे फिर मिलने जरूर आना। तुम्हारे साथ बिताए इन सुखद दिनों को मैं कभी ना भूल पाऊंगा। सुदामा ने जैसे ही आज्ञा ली, उन्हें विदाई देने के लिए पूरा राज्य नगर द्वार पर उमड़ पड़ा। सुदामा भाव विभोर उठे। जब तक वे अपने गांव के निकट नहीं पहुंचे, उन्हें अनुभूति ही नहीं हुई कि वे कुछ भी लेकर नहीं लौटे हैं। मैं उन्हें क्या बताऊंगा, वो तो बड़ी आतुरता से मेरी राह देख रहे होंगे। क्या करूं? हाँ, इतना तो बता ही सकता हूं कि कृष्ण ने मुझे नहीं भुलाया और मेरा कितना अच्छा स्वागत सत्कार किया। हाँ, अचानक उन्होंने ऊपर देखा और आश्चर्यचकित रह गए। जहाँ उनकी पुरानी कुटिया थी, वहीं पर एक शानदार महल खड़ा था। इतना सुंदर महल उन्होंने पहले कभी देखा ही नहीं था। हैं? लगता है मैं राह भटक गया हूँ। वे वहां से मुड़ने ही वाले थे कि उन्होंने महल से आते हुए अपनी पत्नी को देखा। उसे देखकर वो भौचक्के रह गए। वो कीमती कपड़े और सोने के आभूषण पहनी थी। बच्चे पास ही खेल रहे थे। वे स्वस्थ और खुश नजर आ रहे थे और मूल्यवान वस्त्र पहने हुए थे। पिताजी, पिताजी! कहते हुए बच्चे सुदामा की तरफ दौड़े। ये कपड़े कहाँ से मिले और ये महल कहाँ से आया? स्वामी, आपकी अनुपस्थिति में अचानक एक दिन हमारी पुरानी कुटिया इस वैभवशाली महल में बदल गई और ये कपड़े, सेवक, भोजन न जाने कहां से आ गए। मैंने सोचा आप कृष्ण से मिले होंगे, उन्होंने ही ये सब कुछ आपको दिया होगा। धीरे धीरे सारी बातें सुदामा की समझ में आ गई। उन्हें कृष्ण की मुस्कान भी याद आ गई जब उन्होंने सुदामा से लेकर वो दो मुट्ठी चिवड़े खाए थे। पत्नी और बच्चे सुदामा को भीतर ले गए। भाग्यवान, ये तो कृष्ण का चमत्कार है। खाए गए हर मुट्ठी चिवड़े के साथ उन्होंने हमारे घर को धन धान्य से भर दिया। अगर रुक्मणी ने उन्हें अंतिम मुट्ठी खाने से रोका न होता तो हम कुबेर से भी अधिक धनी हो गए होते। और सुदामा ने द्वारका में घटी सारी बातें विस्तार से उन्हें बताई। वे सब बहुत प्रसन्न और गदगद थे। उन्होंने कृष्ण को हृदय से धन्यवाद दिया। सुदामा और उनका परिवार कभी भूखा ना रहा और एक दिन भी ऐसा ना गया जब उन्होंने कृष्ण को याद ना किया हो। इसके बाद से सुदामा और उनका परिवार सुखपूर्वक जीवन जीने लगा।